और इस बीच आपको बता दें, चुनाव का मिजाज गर्म होता हुआ क्यों नजर आ रहा है इसे भी जरा समझिए। देश के संसाधनों वाला जो बयान था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पूर्व प्रधानमंत्री का, उसे लेकर बीजेपी एक बार फिर से घेर रही है कांग्रेस को। बीजेपी ने मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो जारी किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है, गरीबों का पहला हक होना चाहिए और ओबीसी का हक मार रही है कांग्रेस। ये कहते हुए जेपी नड्डा ने, बीजेपी अध्यक्ष ने आज भी हमला किया है। यानी आप समझ सकते हैं एक बार फिर से वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी, आर एम्पावर्ड टू शेयर इक्विटेबली इन द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्स। मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। कांग्रेस की एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने सुना एक बार फिर से। 2024 के चुनाव में 2006 वाला बयान याद दिलाया जा रहा है लोगों को। सवाल यह कि आखिर इसका मतलब क्या है, सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, अभी बीच चुनाव में जबकि दूसरे चरण का मतदान जारी है, अगर ये बयान बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से याद दिलाया जा रहा लोगों को, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, क्या कोशिश बीजेपी की? देखिए अखिलेश, बिल्कुल साफ है, इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ा दिया। इस चुनाव को इस बताने की कोशिश की है कि ये चुनाव दरअसल अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का है और कांग्रेस लगातार अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन तैयार करने में पिछले कुछ दिनों में लगातार कामयाब हुई है कि भाजपा ये बताने कि हम बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं और कांग्रेस दरअसल अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। और इसीलिए आज 2009 अप्रैल 2009 का मनमोहन सिंह का ये वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस की नीति को स्पष्टता से सामने रखा गया कि कांग्रेस की ये नीति है। दरअसल अखिलेश, एक बात समझना होगा कि राजनीति परसेप्शन का खेल है और राजनीति में परसेप्शन ही आपको आगे ले जाता है, परसेप्शन ही आपके पूरे खेल को बिगाड़ता है। तो आज जब दूसरे चरण का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से मालूम है इस बात को कि देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो पिछले काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर कांग्रेस से नाराज था, या इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रति लोगों का रवैया था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, कांग्रेस अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत नरम है, और इस परसेप्शन को या इस सोच को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ 2006 का मुद्दा उठाया बल्कि 2009 के इस वीडियो को भी आज भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स के हैंडल से जारी मिलाकर कोशिश की। यही निकलता है, बड़ी बात यह है कि हिंदू मुसलमान वाला जो विमर्श है उसे फिर से एक बार चुनाव के केंद्र में बीजेपी लाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब चलते हैं डेटा सेंटर, मेरी सहयोगी रोमाना वहां पर मौजूद है कुछ दिलचस्प अहम जानकारियों के साथ। रोमाना, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।